तो दोस्तों कैसे हो भाई आप सब। आई होप कि आप सही हैं। तो दोस्तों हम फिर से लेकर आए तुम्हारे लिए एक बेहतरीन वीडियो स्टील की रेलिंग की, और इसमें हमने चार पट्टी ऐड की है। इसका जो साइज़ रखा गया है दोस्तों, हाइट लगभग मान के चलो इसकी 28.5, और बीच का जो साइज़ है वो 4 इंची लगभग 5 सूत। तो दोस्तों ये हाइट के हिसाब से इसका कंपेयर किया गया है। बाकी देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। और ये दोस्तों फ्रंट की है 304, इसमें चार पट्टी ऐड की गई है। इसका जो साइज़ की बात करें तो ये साइज़ के ऊपर कंपेयर होती है कि कितनी तुम्हारी हाइट होती है बाउंड्री वाली और कितनी तुम्हारी डाउन होती है। तो उसके हिसाब से हमने इसमें थोड़ा उसको ऊपर उठा रखा है, इसको डाउन कर रखा है। तो इसी के हिसाब से हमने इसकी रेलिंग की हाइट की है। तो उसमें इसमें एक पिलर यूज किया गया है, ये पूरी की पूरी 304 है। और देखो दोस्तों मुझे तो ज़्यादातर 202 ही अच्छी लगती है, क्योंकि 304 का मेटल ज़्यादा हैवी होता है और महंगा होता है, क्योंकि इसको हर एक कंपेयर नहीं कर पाता। क्योंकि देखो 304 क्वालिटी जो ज़्यादा हेवी होती है, बाकी 202 भी ठीक ठाक है। बस उसमें थोड़ा कहने में कह देते हैं कि इसमें जंग वगैरह लगता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। उसकी सफाई करनी पड़ती है, जैसे इसकी भी रेलिंग लग चुकी है, इसकी हफ्ते में या 10 दिन में सफाई बहुत ज़रूरी है। जैसे पानी वगैरह गिर जाए या फिर दाग धब्बे लग जाते हैं ना, तो उसके लिए ज़रूरी है सफाई। तो दोस्तों नेक्स्ट हमने नीचे लगा रखी है, ये रही दोस्तों नेक्स्ट। सेम टू सेम जैसे इसकी हाइट है ना दोस्तों, सेम वो भी हाइट उसकी वही है। चलो उसको हम नीचे जाकर दिखाते हैं। और दोस्तों ये हमारे इमरान भाई ठेकेदार है, बाकी बहुत अच्छा काम करते हैं, एल्युमिनियम का कारीगर है, एक एल्युमिनियम के भी और प्लास्टिक के पल्लों के भी। तो दोस्तों इनका जो काम है मैंने काफ़ी पहले देखा था, अब तो काम करना बंद करता, अब तो लेबर से करवाते हैं, पहले खुद करते थे। इनका काम भी नंबर वन है, ज़्यादातर स्टील का, एल्युमिनियम का, प्लास्टिक के पल्लों का काम करते हैं, और स्टील की रेलिंग में तो खैर ये माहिर है। चलो नीचे की वीडियो के बारे में कुछ जानकारी देते तुम्हें रेलिंग। तो चलिए दोस्तों अब बाहर एंट्री करते हैं। और दोस्तों नीचे वाली रेलिंग ये है, सेम टू सेम जैसे ऊपर के ना दोस्तों, हाइट इसकी रेलिंग की सेम टू सेम यही ऐसे यहाँ पर है। आधा 1 इंची का फर्क है इसमें हाइट में, बाकी रेलिंग देखने में बहुत अच्छी लग रही है दोस्तों। दोस्तों 304 क्वालिटी है, बाकी फ्रंट पे तुम 202 भी लगा सकते हो, जरूरी नहीं है कि तुम्हें 304 लगानी, क्योंकि वो महंगी क्वालिटी होती है 304। फर्क कुछ नहीं होता, कम से कम काफ़ी फ़र्क आ जाता है अगर कंपेयर करा जाए तो। अगर फ्रंट की रेलिंग सपोज करो, ये वाली रेलिंग अगर हमारी 15,000 की है ना 304 में, तो 202 में तुम्हारी महज ऐसी पड़ेगी 8-10 हज़ार की। चलो इसकी हम अभी दिखाते हैं तुम्हें, इसका कहते हैं कि ना उसके निशान वगैरह। ये रहा दोस्तों, देखो धूप हो रही पता नहीं, हाँ ये देखो, ये दोस्तों इसका ग्रेड 304, बाकी इन पट्टी पर भी 304 लिखा होता है। चलो पट्टी पर दिखाते हो तुम्हें, थोड़ा साफ नहीं आ रहा दोस्तों, बाकी ये 304 लिखा हुआ है इस पर। इस पर दोस्तों तो कैमरे से थोड़ा साफ नहीं आ रहा, बाकी इस पर 304 ही लिखा हुआ है, ये 304 की रेलिंग है फ्रंट पे। बाकी देखो ये भी दोस्तों सेम टू सेम हाइट है, बाकी तुम अपने घर में लगवाना चाहते हो हाइट चाहे कितनी भी है दोस्तों, हाइट से कोई कंपेयर नहीं पड़ता। हाइट छोटी भी रहती है, फ्रंट पे ज़्यादा भी रहती है, कोई बाउंड्री से उठा देता है यहाँ से, इधर से कोई थोड़ी ऊपर कर देता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमें, देखो दोस्तों मुझे तो रेलिंग ज़्यादा अच्छी लगती है स्टील की, क्योंकि इसमें साफ सफाई ठीक ठाक रहती है और पेंट वगैरह से कोई दिक्कत नहीं होती है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम अपनी फ्रंट से। और दोस्तों चैनल पकड़ने हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑल प्रेस करना, कमेंट करना, शेयर करना और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों ये हमारे फ्रंट की रेलिंग स्टील चार पाइप में, इसमें आधे की पट्टी प्लस 1.5 इंच का ऊपर, और इसमें स्टेप यूज नहीं किया गया दोस्तों, इसमें 1.5 इंच बाई 1.5 का लेंथ ही यूज किया जो पूरी लेंथ आती है। ये दोस्तों फ्रंट है इसका, हमने अगली वीडियो में इसके बारे में बता रखा है तुमको। यह दोस्तों इसका नीचे वाला फ्रंट सेम टू सेम जैसा ऊपर है ना, सेम टू सेम यही है, 1.5 बाई 1.5 की लेंथ इसमें पूरी और आधे की पट्टी चार। इसका अगर हाइट की बात करें तो हाइट है दोस्तों इसकी कम से कम 27.5 इंची पिलर के हिसाब से, जैसा वो दोस्तों पिलर है ना, किसी का पिलर ज़्यादा होता है किसी का कम होता है। बाकी इसमें अगर नीचे से ये इसमें नीचे उठा रखा है तो बहुत अच्छा कर रखा है, इसके हिसाब से इसकी हाइट कम से कम बैठेगी 2.5 फिट, 2.5 फिट से थोड़ी ज़्यादा ऊपर ही है दोस्तों। दोस्तों ये इसका फ्रंट, एक तो नीचे वाली होगी और एक होगी ऊपर वाली।